गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 फ्लो थ्रू ओरिफिसेस एंड माउथ पीसेस पढ़ेंगे। देखिए, ओरिफिसेस को हम हिंदी में कहते हैं द्वार को, और माउथ पीसेस को हम कहते हैं मुखिकाएं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि किसे क्या कहा जाता है। ओरिफिस द्वारक क्या होता है ये देखते हैं। ओरिफिस इज अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन सच एज सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर ऑन द साइड और बॉटम ऑफ अ टैंक थ्रू विच फ्लूड इज फ्लोइंग। इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि ओरिफिस एक स्मॉल ओपनिंग होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन में। वो क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। और ये जो स्मॉल ओपनिंग है या छोटा सा जो ओपनिंग है, छेद है, वो उस सब्सटेंस के टैंक के बॉटम में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, जिससे कि फ्लूड बाहर आता है। तो ऐसा कोई भी ओपनिंग जिससे फ्लूड बाहर आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिफिस कहते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिफिसेस। देखिए, नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू साइज ए लार्ज ओरिफिस। लार्ज ओरिफिस क्या होता है, इफ द हेड ऑफ लिक्विड इज लेस देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ ओरिफिस। अगर किसी भी टैंक में लिक्विड का हाइट जो है, हेड का मीनिंग यहाँ पे हाइट निकल रहा है, लिक्विड का हाइट जो है वो अगर ओरिफिस के डेप्थ से 5 टाइम्स से कम है तो उसे हम कहते हैं लार्ज ओरिफिस। और स्मॉल ओरिफिस क्या होता है, इफ़ द हेड ऑफ द लिक्विड इज़ मोर देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ ओरिफिस। अगर जो डेप्थ ऑफ ओरिफिस है या डायमीटर ऑफ ओरिफिस है या फिर ओरिफिस का जो टोटल लेंथ है ओपनिंग का, उससे अगर हेड ऑफ द लिक्विड इज 5 टाइम्स मोर होता है तो उसको हम कहते हैं स्मॉल ओरिफिस। और हेड मेजरमेंट ओरिफिस का जो अपन करते हैं वो सेंटर से करते हैं। ओके, नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया के आधार पर देखें तो 4 तरह के ओरिफिस होते हैं, सर्कुलर ओरिफिस, ट्रायंगुलर ओरिफिस, रेक्टेंगुलर ओरिफिस और स्क्वायर ओरिफिस। नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द शेप। शेप के आधार पर देखें तो 2 तरह के ओरिफिस होते हैं, शार्प एज ओरिफिस और बेल माउथेड ओरिफिस। इनके डायग्राम्स भी अब हम देख लेते हैं। इसके बाद एक आखिरी जो है 4th, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिस्चार्ज, मतलब कि प्रवाह की दर का जो प्रकृति है उसके आधार पर देखें तो पहला है फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस और दूसरा है ड्रोन्ड और सबमर्ज ओरिफिस। अगर कोई ओरिफिस पानी में डूबा हुआ है तो उसे ड्रोन्ड और सबमर्ज ओरिफिस कहेंगे, और अगर नहीं डूबा हुआ है तो उसे कहेंगे फ्री डिस्चार्ज ओरिफिस। वीना कॉन्ट्रैक्टा और थ्रोट और जेट संकोच, ये क्या होता है। वीना कॉन्ट्रैक्टा जेट का वह सेक्शन है जहाँ जेट एरिया मिनिमम होता है, अर्थात जेट का मतलब क्या होता है, जब पानी हाई वेलोसिटी से मूव करती है तो उसे जेट कहते हैं, है ना। तो जेट का वो सेक्शन जहाँ पर जेट का एरिया मिनिमम होता है, एकदम सबसे कम होता है जो पानी का जो एरिया, उसको हम कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। माउथ पीसेस को देखते हैं हम। माउथ पीसेस इज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप। माउथ पीसेस क्या होते हैं, छोटे लेंथ के पाइप होते हैं विच इज 0 to 2-3 times ऑफ इट्स डायमीटर इन लेंथ। इसका मतलब होता है कि ये इनका जो लेंथ होता है वो बहुत कम होता है और ये अपने डायमीटर से डबल या ट्रिपल होते हैं जनरली, ठीक है। और अब आप समझ गए, इसका जो डायमीटर होगा पाइप का जो होल होगा वो उसके लेंथ, उसका जो लेंथ होगा वो उसके डायमीटर का डबल या ट्रिपल होगा। उसको किसी टैंक या वेसल में फिट कर देते हैं तो उसे माउथ पीसेस बोलते हैं। माउथ पीसेस और ओरिफिस दोनों ही डिस्चार्ज मेजरिंग के लिए यूज़ होते हैं, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम। क्लासिफिकेशन देखते हैं माउथ पीसेस के ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। एक्सटर्नल माउथ पीसेस, जब माउथ पीसेस को टैंक के बाहर या वेसल से एक्सटर्नली फिक्स करते हैं तो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल माउथ पीसेस। ये देखिए, बाहर की तरफ माउथ पीस को जब रखा गया है तो ठीक है। नंबर 2 है इंटरनल माउथ पीसेस, जब माउथ पीसेस को पाइप में इंटरनल डायरेक्शन में फिक्स किया जाता है। ये देखिए, इंटरनल डायरेक्शन में फिट किया गया है ये, ठीक है। ये आउटर है, ये इंटरनल है, देख लिए। ओके, फिर देखिए अकॉर्डिंग टू शेप्स। शेप के आधार पर देखें तो सिलेंड्रिकल माउथ पीसेस है और कन्वर्जन माउथ पीसेस है एंड कन्वर्जन डाइवर्जेंट माउथ पीसेस। यहाँ देखिए एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल माउथ पीस है, इसके अलावा ये सिलेंड्रिकल है। जबकि इसको देखें तो एक्सटर्नल है, उसके अलावा क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, फिर है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्चार्ज के बाद माउथ पीसेस रनिंग फुल
माउथ पीसेस रनिंग फ्री. इफ द जेट आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन एक्सपैंड एंड फिल्स द होल माउथ पीसेस नोन एज रनिंग फॉल. अगर जो पानी का जो जेट है वो माउथ पीसेस को पूरी तरह से भर दे तो उसे कहेंगे हम माउथ पीसेस रनिंग फॉल. और अगर ये पूरी तरीके से नहीं भरा है, टच नहीं कर रहा दोनों साइड्स को, तो उसको बोलेंगे माउथ पीसेस रनिंग फ्री. ओके, देखिए ये रनिंग फुल है, पूरा भरा हुआ है, ये रनिंग फ्री है क्योंकि कन्वर्जेंट शेप है. ओके, नेक्स्ट है. देखिए इसके बाद है हाइड्रोलिक कोफिशियंस का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन. ठीक है, ये आपके नोट्स में है, आप इसको देखिएगा एक बार. फाइनली अगर आप देखें तो कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज CD होगा Q एक्चुअल बाई Q थियोटिकल. और थियोटिकल डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी की जगह में हम लिख सकते हैं √2gh. इसके अलावा अगर हम देखें कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, तो कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो जैसे ये हुआ, जैसे कि एक मिनट रुकिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है क्यू एक्चुअल बाई क्यू थियोरेटिकल. उसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? ये वेलोसिटी का कोफिशिएंट है, इसीलिए एक्चुअल वेलोसिटी बाई थियोटेल वेलोसिटी. जैसे CD है डिस्चार्ज, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज ये है क्यू एक्चुअल बाई क्यू थियोटिकल. ऐसे ही कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी को हम बोलेंगे वी एक्चुअल बाई वी थियोटिकल. इसके अलावा एक कोफिशियंट और है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन. कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को निकालने का एक तो फॉर्मूला जो है वो सेम ऐसा ही है कि एक्चुअल कॉन्ट्रेक्शन बाई थियोटिकल कॉन्ट्रेक्शन, या फिर हम चाहें तो एक सिंपल सा रिलेशन है CD इक्वल टू CV इंटू CC. जो कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है, इससे भी हम निकाल सकते हैं. इसके अलावा जो नॉर्मल सा फॉर्मूला वो है एरिया ऑफ जेट एट बिना कॉन्ट्रेक्टर अपन एरिया ऑफ ओरिफिस. मतलब जो कम एरिया है बिना कॉन्ट्रेक्टर का अपन एरिया ऑफ ओरिफिस का जो एरिया है, उन दोनों के रेशियो को भी हम बोल सकते हैं कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन. आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, फिर कल हम न्यूमेरिकल बनाएंगे कल के क्लासेस में. ओके, थैंक यू.